आज आपने फिर से मिस कर दिया, देखिएगा अपनी लॉस रिकवरी को। लॉस रिकवरी जैसा बताया था, गैप डाउन खुलेंगे और डाउन जाएंगे, पूरा प्रेडिक्शन डाला था मार्केट ओपन होने से पहले टेलीग्राम पे, आपने मिस करा। और बहुत सारे लोगों ने इस हफ्ते अगर आप देखेंगे तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में अपने लॉस रिकवर कर लिए हैं। तो अगर आप अपने लॉस रिकवर करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी पैसा नहीं देना है, फ्री चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाके ज्वाइन करिएगा। और बड़ी अपडेट आ रही है जो इम्पैक्ट करेगी मार्केट को CNBC की तरफ से, और कल आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप शॉक में भी आ सकते हैं, क्योंकि आज भी मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट ब्रेक किया और देन आफ्टर दैट देखिएगा बुल्स ने अपनी थोड़ी सी पावर दिखाई, लेकिन ये पावर कंटिन्यू रहेगी कि नहीं ये आज आपको पता चलेगा और कल भी आपको पता चलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी देखिएगा अमेरिका पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ फेड भी बड़ी कमेंट्री करने के लिए तैयार है। और यहां पे जवाब देना पड़ेगा सरकार को कि आप एक्चुअल में मार्केट और इकोनॉमी को कहां पे देख रहे हैं आने वाले देखिएगा 3 से 6 महीने में। तो अगर आप देखेंगे तो सीधा इंपैक्ट में बताऊंगा आपको, कहां पता चलेगा कि अच्छी खबर आई है कि खराब खबर आई है, मैं आपको बता दे रहा हूं। बाकी आप टेलीग्राम देखते रहिएगा, तो 11 12 1 बजे तक मैं अपडेट करूंगा वहां रात को, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है। और इन्वेस्टर केवल एक चीज पे फोकस कर रहे हैं, फेड क्या बोलने वाले हैं। और आपको पता है फेड 3 दिन तक बोलेंगे, कल भी परसों भी आज भी, 3 दिन तक। और जेरम पावेल साहब तो कल बोलेंगे, तो आप समझ लीजिए कल बहुत बड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलने वाली है। पूरी तरीके से बॉन्ड मार्केट पे फोकस रखिएगा पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे फेड के कमेंट आएंगे। आपको पता है इस बार पॉज किया गया है, लेकिन 2 मल्टीपल रेट हाइक अभी भी अराउंड द कॉर्नर है, और वो अब पूरा इंडिकेशन और सिग्नल दे देंगे कि हम अब क्या करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं US ट्रेजरी yields वर हायर, आज क्या है मंगलवार, मार्केट क्लोज हो चुका है, ट्रेडिंग रिज्यूम्ड आफ्टर मंडे। और अगर आप देखेंगे इन्वेस्टर लुक टू रिमार्क फ्रॉम फेड ऑफिशियल फॉर हिंट अबाउट अपकमिंग मॉनिटरी मूव्स, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे सारे जितने भी स्पीकर्स आएंगे, चाहे वो जेरम पावेल आए, चाहे बुलार्ड आए, चाहे कोई भी आए, वो एक्चुअल में वो फिगर बता देंगे कि आगे वो क्या करना चाह रहे हैं और आगे उनका क्या पूरा इरादा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी अपडेट होगी। और यहाँ पे आपको केवल देखिएगा फोकस करना है 10 ईयर बॉन्ड यील्ड पे और 2 ईयर बॉन्ड यील्ड पे। आगे अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं रेट डिसीजन पे भी होना है 25 बेसिस के, देखिएगा कहीं और रेट हाइक तो नहीं रखे हुए हैं। और अगर ऐसा है तो यहाँ पे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका का डेटा ऑलरेडी खराब हो चुका है, हायर देन द प्रीवियसली एंटिसिपेटेड एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट। आपको पता है ऑलरेडी इतनी मंदी देखने को मिल रही है इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में, जिसका इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिल रहा है कॉर्पोरेट अर्निंग पे। लेकिन उसके बाद भी अगर रेट हाइक होते हैं तो 2024 में स्टार्टिंग होगी रेट हाइक कम होने की, वो भी कब होती है अभी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे फेड प्रेसिडेंट जिम बुलार्ड एंड न्यूयॉर्क प्रेसिडेंट जॉन विलियम्स आर एक्सपेक्टेड टू स्पीक ऑन ट्यूसडे, यानी कि आज वो बोलेंगे, जिसके बेसिस पे आपका जो डोजोन्स है वो रिएक्शन देगा। कल फेड बोलेगा, जेरम पावेल जी कमेंट्री करेंगे और वो जवाब देंगे कि एक्चुअल में उनकी पॉलिसी ने कितनी ज़्यादा सक्सेस पाई है और आगे वो क्या करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें मल्टीपल तरीके से डोजोन्स को, डाउ फ्यूचर्स को इम्पैक्ट करेंगे, और आप समझ सकते हैं फिर आपको उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि आज क्या होने वाला है रात को, जो मैं आपको बताऊंगा टेलीग्राम पे, और कल क्या होने वाला है ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि उसके हिसाब से ही आपकी एक्सपायरी होगी। तो सबसे पहले आज जिम बुलार्ड जो प्रेसिडेंट हैं फेड के, और देखिएगा न्यूयॉर्क प्रेसिडेंट जॉन विलियमसन आज बोलेंगे स्पीकर, और आप देख सकते हैं ये पूरा तरीके से मार्केट के लिए निगेटिव ही बोलते हैं, ये अभी तक का रिकॉर्ड है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। फिर अगर आप देखेंगे तो फेड के चेयरमैन कौन है, जेरम पावेल, जो कि आपको पता है जब भी बोलते हैं तो डोजोन 400-500 पॉइंट इधर उधर हो जाता है, इस ड्यू टू टेस्टिफाई बिफोर कांग्रेस ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे कब है, कल और परसों, तो दोनों दिन ये कमेंट्री करेंगे, जिसका इंपैक्ट आपको एक्सपायरी पे आता हुआ देखने को मिलेगा। तो जितनी भी अपडेट आनी है
जितनी भी प्रोग्रेस होनी है वो आपको ग्लोबल मार्केट में होनी है और ग्लोबल मार्केट में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और आपको सबसे पहले इम्पैक्ट देखना है बॉन्ड यील्ड्स पे। बॉन्ड यील्ड्स चाहे कोई भी हो, यूएस 10 ईयर टी नोट्स हो, 30 ईयर टी बॉन्ड हो, कोई भी हो, तुरंत आपको फोकस करना है। अगर बॉन्ड यील्ड अप हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आप समझ लीजिए अच्छा नहीं बोला गया है, ना तो बुलार्ड की तरफ से, ना विलियम्स की तरफ से, ना जेरन पावल की तरफ से। और अगर ये देखेगा थोड़ी डाउन हो जाए 3%, 4%, 5%, तो आप समझ लीजिए अच्छा बोला है और मार्केट में मोमेंटम बरकरार रहेगा। तो आपका फोकस केवल 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 बॉन्ड मार्केट पे होना चाहिए और ये इम्पैक्ट करेगी सीधा कल बाजार मार्केट को, मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। और वोलेटिलिटी कल भी देखने को मिली थी, दो दिन से आपको देखने को मिल रही है, अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं, तो फोकस करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।